हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले सीखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है। तो हम लोग ने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा लिखा है z इज x प्लस आई वाई, और इसको हम लोग ने नाम दिया है कार्टेशियन फॉर्म। फिर हम लोग ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और नाम दिया r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसको नाम दिया हम लोग ने पोलार फॉर्म। तो अभी जो नेक्स्ट है उसको हम लोग ने लिखा है आर ई रेस टू आई थीटा, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब अगर आपने कंपैरिजन किया पोलार फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ, तो यू विल कम टू नो दैट जो ई रेस टू आई थीटा लिखा है हमने, इट इज नथिंग बट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और ये हम लोग प्रूव करेंगे जब हम लोग सीखेंगे एक्सपांशन ऑफ फंक्शन, तब मैं जाके ये प्रूव करूंगा कि कॉस थीटा का एक्सपांशन और आई साइन थीटा का एक्सपांशन मिलके ई रेस टू आई थीटा बनेगा। और इसमें एक और चीज करते हैं, इफ थीटा इज रिप्लेस बाय माइनस थीटा सो इट बिकम ई रेस टू माइनस आई थीटा, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो एक इसको एनालाइज करते हैं, अगर ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा और यहाँ पे भी थीटा आपको लिखने, और थीटा के जगह अगर मैंने माइनस थीटा लिखा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, बट साइन ऑफ माइनस थीटा बिकम माइनस ऑफ आई साइन माइनस ऑफ साइन थीटा, दैट मीन्स माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। ये ई रेस टू आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई रेस टू माइनस आई थीटा इज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो इसमें से एक और चीज डिराइव कर लेते, अगर इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया तो ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा, ये दोनों ऐड हो गए तो बना टू कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा का एक और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ ई रेस टू आई थीटा। टू नीचे ले लिया तो ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा डिवाइड बाय टू, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला है। इसमें भी यहां पे जो एंगल लिखोगे वो एंगल आपको यहां पे लिखना है थीटा थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, तो मैं यहां पे पहले वापस लिख लेता हूं एक्सप्रेशन दैट ई रेस टू आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e रेस टू माइनस आई थीटा इज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया सो इट बिकम e रेस टू आई थीटा माइनस e रेस टू माइनस आई थीटा। जब सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज करना पड़ता है, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो कॉस कॉस विल गेट कैंसल, इन दोनों को एडिशन टू आई साइन थीटा। यहां से साइन थीटा का अगर फॉर्मूला निकाला तो ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा डिवाइड बाय टू, और ये जो दो हम लोग ने एक्सप्रेशन निकाला है कॉस थीटा और साइन थीटा का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। हम लोग ये कॉस थीटा का वैल्यू जो मिला है इसको डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा भी बोलते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा, डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, और इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करने से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके छोटे स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे, और इसके लिए ये मेरा फेवरेट फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कोई भी बड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको दिखता है, यूज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट विल सिंप्लीफाई। तो इसको यूज कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।